तो जानवी कपूर की मूवी उलझ जो आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पे टोटल 12 दिन कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में उलझ के 12 दिन के टोटल इंडिया नेट और ओवरसीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बात करें। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेगा। तो दोस्तों जानवी कपूर की बात करें तो जानवी कपूर की हर एक फिल्म फ्लॉप होती है जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जानवी कपूर अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाती। उनको लॉन्च किया था धर्मा प्रोडक्शन के भैया यानी कि करण जौहर ने। करण जौहर हर एक नेपोटिज्म को ही लॉन्च करते हैं यानी कि एक नेपो किड है, वो हर एक नेपो किड को ही लॉन्च करते हैं। जैसे कि जानवी कपूर हो गई, अनन्या पांडे हो गई, अर्जुन कपूर हो गया, इनको ही लॉन्च करते रहते हैं। बट जानवी कपूर इसी साल रिलीज हुई फिल्म मिस्टर एंड मिसिस माही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। उस फिल्म ने भी कुछ शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं किया। जानवी कपूर श्रीदेवी की डॉटर है। श्रीदेवी अपने टाइम में काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हुआ करती थी। उन्होंने अपने करियर में बेस्ट फिल्में दी थी जैसे कि चांदनी और मौन के लिए तो उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था। पर जानवी कपूर एक्ट्रेस तो बन गई पर सुपरस्टार वो नहीं बन पाई। जी हाँ दोस्तों, जानवी कपूर की फिलहाल फिल्में फ्लॉप ही हुई है। उनकी एक ही फिल्म हिट हुई थी जो कि थी धड़क, वो भी फिल्म एक रीमेक थी मराठी फिल्म की। बात करें उलझ फिल्म की तो उलझ फिल्म में आपको गुलशन देवे और जानवी कपूर देखने को मिलते हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इसमें पहले दिन 1,25,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, इसे दूसरे दिन 1,75,00,000 का नेट कलेक्शन किया था। इसमें तीसरे दिन पे 2 करोड़ की कलेक्शन की थी। तो इसमें मतलब पहले हफ्ते में 7,02,00,000 का नेट कलेक्शन किया था। दूसरी फिल्म 10वें दिन पे संडे को 60,00,000 का नेट कलेक्शन किया था। फिर 11वें दिन पे 25,00,000 का नेट कलेक्शन किया था। और बात करें 12वें दिन की तो आज के एडवांस के मुकाबले दोस्तों ये फिल्म 20,00,000 का नेट कलेक्शन कर रही है। तो इस फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 9,15,00,000 हो जाता है, जिसका ग्रोस कलेक्शन 12,10,00,000 हो जाता है। तो दोस्तों इस फिल्म ने ओवरसीज एंड विदेश से जो ग्रोस कलेक्शन किया है करीब 2 करोड़ रुपये। तो सब कुछ जोड़ ले इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 14,10,00,000 हो जाता है। और उलझ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि इस फिल्म का बजट था 30 करोड़ रुपए और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1 करोड़ रुपए। तो वैसे दोस्तों हमने जानवी कपूर की मूवी उलझ देखी, तो उलझ आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और जानवी की अपकमिंग मूवी की बात करें तो देवरा फिल्म होने वाली है और ये फिल्म भी जल्दी रिलीज होने वाली है। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड ये भी कॉमेंट कर दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए।